वयोवृद्ध वामपंथी नेता एबी बर्धन नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद कल रात दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में उनका निधन हो गया। एबी बर्धन के शव को आज आखिरी दर्शन के लिए सीपीआई मुख्यालय में रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। मजदूरों और वंचितों की एक बुलंद आवाज सदा के लिए खामोश हो गई। भारतीय राजनीति का एक सितारा अंतिम सफर पर निकल पड़ा। करीब 6 दशक तक वामपंथी आंदोलन के तमाम उतार चढ़ावों के गवाह रहे सीपीआई नेता अर्धेंदु भूषण वर्धन, जिन्हें ज्यादातर लोग एबी वर्धन के नाम से जानते थे, नहीं रहे। शनिवार रात 8:20 पर दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो कोमा में थे। अकॉर्डिंग टू दिस कैरेक्टर ही फॉट अगेंस्ट द इलनेस, ही स्ट्रगल्ड, डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट टू सेव हिम, फाइनली टुडे ही सकम्ब्ड टू द इलनेस, ही इज नो मोर। दिल्ली के सीपीआई मुख्यालय में रहने वाले 92 साल के एबी बर्धन को 7 दिसंबर को पैरालिसिस स्ट्रोक की वजह से जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत की लगातार निगरानी कर रही थी। पार्टी के महासचिव डी राजा के मुताबिक शुक्रवार को वर्धन का वेंटिलेटर हटा लिया गया था और वो सामान्य रूप से सांस ले रहे थे, लेकिन शनिवार को ब्लड प्रेशर गिर गया और इसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। इट्स अ ग्रेट लॉस नॉट ओनली फॉर सीपीआई, फॉर द एंटायर कम्युनिस्ट एंड लेफ्ट मूवमेंट इन द कंट्री। इन अ वे हिज डिमाइज मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा ऑफ कम्युनिस्ट लीडर्स। 90 के दशक में जब देश में गठबंधन की राजनीति शुरू हुई तो वाम दलों को दिशा दिखाने में वर्धन का अहम रोल रहा। 1957 में चुनावी राजनीति में प्रवेश करने वाले वर्धन हर मुद्दे पर बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते थे। 1996 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने को जब ज्योति बसु ने भूल बताया था, तब वर्धन ने इस पर सहमति जताई थी। यही नहीं, 2008 में यूपीए से वाम दलों के समर्थन वापस लेने को कम्युनिस्ट ताकतों की बड़ी भूल मानते थे। वामपंथी आंदोलन को बेहद करीब से जानने वाले वर्धन ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल के हाथों लेफ्ट फ्रंट की हार के बाद चेतावनी दे दी थी कि अगर वाम दल के नेताओं ने अपना तरीका नहीं बदला तो पार्टी हाशिए पर चली जाएगी। देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य से साफ है कि वर्धन का अनुमान कितना सटीक था। कामगारों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले वर्धन का कद दलगत राजनीति से ऊपर था। उनके चाहने वाले सभी दलों में थे। उनकी मौत की खबर पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि एबी वर्धन हमेशा एक प्रतिबद्ध साम्यवादी नेता और अपनी विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्ति के तौर पर याद आएंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संवेदना संदेश में कहा, एबी वर्धन के निधन से न सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बल्कि पूरे देश ने एक ऐसा नेता खो दिया है जिन्होंने पूरी जिंदगी वंचितों और हाशिए पर रहे लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। वर्धन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उन चुनिंदा कड़ियों में शामिल थे जिन्होंने मजदूर आंदोलन और राष्ट्रीय राजनीति में अहम किरदार निभाया। आज के दौर में जब राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, तब देश को एबी वर्धन की कमी काफी खलेगी। अनुजैन रोहतगी के साथ आज तक ब्यूरो।